अरे हम दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बनाना सीखेंगे शिव जी और पार्वती माता। दोस्तों ये मूर्ति काश शिवरात्रि के अवसर पर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, मतलब बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये शादी करने समय का एक सीन को मूर्ति बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों पहले हम बनाएंगे, फर्स्ट स्लैब बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों इसके ऊपर में दो लकड़ी का जो कि मैंने यूज़ किया है, बम्बू का लकड़ी, बांस का लकड़ी, तो इसी प्रकार से दो लकड़ी का ही सा भी यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। और इसी के ऊपर दोस्तों कुछ इस प्रकार से पतला पतला कॉयल बना लेंगे दो, और इसी को कुछ इस प्रकार वहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। इतना बना देने के बाद अभी बनाए रहे हैं पेट को। पेट को बनाने के लिए पहले तो दोस्तों कुछ मिट्टियाँ ले लेंगे। मिट्टी लेने के बाद कुछ इस प्रकार से गल करके चपटा बना लेंगे और उसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट कर लेंगे पैर के साथ। और कुछ इस प्रकार से वहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे करके जहाँ पे ज़रूरत है उसी जगह पे दे देंगे। जैसे मैं बना रहा हूँ उसी प्रकार से ज्वाइंट करते जाएंगे। यदि आप लोग भी शिवरात्रि के अवसर पर कुछ इस प्रकार का मूर्ति बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना सीखना चाहते हैं या देखना पसंद है तो दोस्तों ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे इसी प्रकार की बहुत सारे मूर्तियाँ इस चैनल में बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों शिव जी के तो आधा शरीर तो बना चुके हैं, तो इसी प्रकार से और पतला सा स्लेब बना लेंगे और इसी को शिव जी तो बाघ की खाल पहने हुए होते हैं, तो इसी प्रकार से दोस्तों हम बाघ की खाल को ही बना लेंगे। कुछ इसी प्रकार से पतला सा स्लेब बना लेंगे और उसी को वहाँ पे चिपका देने के बाद फूल की मदद से कुछ इस प्रकार से वहाँ पे ऊपर की तरफ से लकीर की तरह खींच लेंगे, तो बन जाएगा हमारा शिव जी का खाल जो कि बाघ की खाल। इतना बना देने के बाद दोस्तों अभी शिव जी का जो कि कमर बंधन को बना देंगे कुछ इस प्रकार से वहाँ पे। तो दोस्तों इसी प्रकार से बना देने के बाद टूल की मदद से कुछ इस प्रकार से वहाँ पे भी सेम जैसे बाघ की खाल के ऊपर लकड़ी की तरह बनाए थे उसी प्रकार से वहाँ पे भी बना देंगे और ब्रश की मदद से कुछ इस प्रकार से वहाँ पे पानी की मदद से फिनिशिंग कर देंगे। तो इतना बना देने के बाद दोस्तों अभी बना रहे हैं हाथ को। हाथ को बनाने के लिए भी दोस्तों पतला पतला कॉयल बना लेंगे और कुछ इस प्रकार से वहाँ पे बैंड कर देंगे बीच में और हाथ की शेप में बना लेंगे। और उंगलियाँ बनाने के लिए दोस्तों छोटा छोटा कॉयल बना करके वहाँ पे कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे और जिस प्रकार से हाथ होता है उसी प्रकार से बना लेंगे और वहाँ पे शरीर के साथ ज्वाइंट कर लेंगे कुछ इस टाइप से। तो बन गया है हाथ। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे हाथ भी बना लेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा इसी प्रकार से वीडियो में अंत तक। मैं मिलता हूँ आप लोग को वीडियो के अंत में। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और जितने भी बनाना बाकी है वो सब नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए रहते ही रहते दोस्तों।